An Academy. Let's crack it. मैं आपको एक प्रैक्टिस के ऊपर छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। 2007 की बात है, तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। ब्रेड हॉग नया नया नौसिखिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया था, उसने तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मार दिया। अब जैसे क्लीन बोल्ड किया, पूरे मैदान का चक्कर काटा और बड़ा खुश कह रहा है, मैंने एक महानतम बल्लेबाज को आउट कर दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ब्रेड हॉग वो बॉल लेके तेंदुलकर के पास गया, कहता है, सर आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, मैंने दुनिया के सबसे महानतम क्रिकेटर को बोल्ड आउट किया, तो आप इस बॉल पे कुछ लिख दीजिए, मैं इसको सोविनियर की तरह यूज करूंगा। तेंदुलकर ने वो बॉल ली और उसके ऊपर लिखा, यू वोंट सी दिस डे अगेन इन योर लाइफ, तुम अपने पूरे जीवन में ये दिन दोबारा कभी नहीं देखोगे। आप सोचिए क्या मोटिवेशन रहा होगा तेंदुलकर का, और इस बात को लिखने के बाद उसने क्या किया होगा। उसने उस आउट को 150 से 200 बार देखा कि बॉल कहां से आई और किस तरह से विकेट में गई और कैसे में आउट हुआ। सारे टीममेट्स रात को पार्टी कर रहे थे और वो सिर्फ उस आउट के वीडियो को देख रहा था, और इतनी प्रैक्टिस करी उसके बाद कम से कम 30 से 32 एनकाउंटर हुए ब्रेड हॉग और तेंदुलकर के। कभी भी ब्रेड हॉग क्लीन बोल्ड नहीं कर पाया तेंदुलकर। तो मैं भी चाहता हूं आप लोग आज कहीं कुछ लिख डालें, बस लिख डालें, हाँ मैं एग्जाम पास करके दिखाऊंगा और एग्जाम पास करने के बाद ही मैं सांस लूंगा। तो जैसे तेंदुलकर ने लिखा, आप भी लिख डालें, और मैं तो कह रहा हूं लिख डालकर सारे मोहल्ले को भी बता दें, कल को आप भूल जाएं तो वो चूटी मारेगा आपको, और भाई तू तो कह रहा था पास हो जाऊंगा, तो वो लोग आपको याद दिलाएंगे। तो आपने करना क्या है, एक गोल बनाना है, टारगेट बनाना है, एम बनाना है और उसके थ्रू चलना है। जून एंड आप एग्जाम डेट मान के चलिए, 1.5 महीने में बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम हुए तो बेहतर, अगर 1% नहीं हुए तो आप प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग, ये सब चीजें कीजिए।